नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सरकार द्वारा विद्युत विभाग को निजीकरण किए जाने के विरोध में विद्युत विभाग के लोग महीनों से धरने पर बैठे हैं और दो दिनों से पूर्ण कार्य बहिष्कार कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया है, जिससे आजमगढ़ जिले ही क्या पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से पानी के लिए भी लोग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह लोगों का गुस्सा प्रशासन और बिजली कर्मचारियों पर फूट रहा है। आम जनता और सामाजिक संस्था के लोग सड़क पर उतर आए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि विद्युत आपूर्ति बहुत ही जल्द बहाल कर दी जाएगी। वार्ता चल रही है। हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए हमारे खास रिपोर्ट में, संवाददाता अमित खैरवाल की रिपोर्ट। दो दिनों से बिजली विभाग हड़ताल पे है सर, काफी दिक्कतें हो रही, चक्का जाम हो रहा है सर, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो एसोसिएशन है इनकी बिजली विभाग वालों की, अधिकारियों से लेकर नीचे कर्मचारियों तक, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं और बाकी कर्मचारी लाइनमैन और हर तरह का कर्मचारी शामिल है, वो प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। उसका असर हमारे जनपद में भी है। हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से, सभी जितने भी पावर स्टेशन हैं सब पर सिक्योरिटी रखी गई, लाइन्स जहाँ जहाँ जा रही है उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है, जो भी पुलिस व्यवस्था हो सकती है वो सब पुलिस द्वारा की जा रही है और कहीं कोई ऐसा सबोटाज पूरे जनपद में नहीं हुआ है जो पुलिस की कमी की वजह से हुआ, क्योंकि हड़ताल है और सप्लीमेंट उसका उतना नहीं है, जो कर्मचारी हड़ताल पे उनका सप्लीमेंट उतना नहीं है, इसलिए लाइट थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है, बिजली थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है और व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हमारे और डीएम साहब के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और जल्दी इसमें कुछ ठीक करने के लिए आपस में बातचीत हुई है, बहुत जल्दी इसमें सुधार। और लाइट ना रहने की वजह से सारी अर्थव्यवस्था जो है, पानी सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में, अगर गर्मी में पानी, पीने का पानी कोई किसी घर में नहीं, चलिए हम